कम यार शकुनी क्या कर रहे हो तू जा मिली एक दिन मुझे हेलो एवरीवन व्हाट्स अप वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार अभी सोमू और मैं जा रहे हैं अपने दोस्त की मैरिज में, बहुत लेट हो चुके हैं, हमारा रोज का आई नो बट देखो इसकी वजह से हो रहा हूँ आज मैं लेट। चल ले भाई, सबसे पहले तैयार हो चुकी हूँ, मुझे बोल रहा हूँ नाइस जल्दी चल, दोस्त कह रहा है मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा जब तक तुम नहीं आओगे, तो चलो निकलते हैं हम लोग। कम यार ओ ये क्या हो गया भाई, अब ऐसे ही चलना पड़ेगा तेरे को इसी के इसके हाथ ऐसे हो गया जेडी तलवार निकाली जो शादी शुदा होता है ना फिर उसके लिए निकालते ना, अभी तो दोबारा ज्यादा नहीं करेगा उंगली की लग गई क्या लग गई वो केड़ा खुली हुई है तलवार तिक्खी थोड़ी ना होती है मांग लिया गुण कौन है ये हैं हेलो मजा आया आज फोटो खिंचवा लेती हूं जल्दी जा वीडियो बन जल्दी जा आ जा
और खिंचवा ले खिंचवा ले, बस बस बहुत हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बस, अब यही वाला क्लिप लगेगा। आप जेडी से चले भाई, बहुत देखे खड़ा है, फोटो नहीं, डल गई भाई, डल गई, फोटो नहीं है, वीडियो है ये। लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, बस बढ़िया हो गया। ये क्या नंबर, लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस। यार इसे अच्छे से खिलाना। क्या बोल रहे हो, इसे अच्छे से खिलाना, तेरे को अच्छे से खिलाना भाई, हमारी इकलौती भाभी है। अब तो अभी यहाँ पे मंडप सजने वाला है तारों की छाव में। इसे इसे सच में तारों की छाव बोला जाता है जेडी, बस ये अभी यहाँ पे रेडी हो रहा है। बट जेडी अभी हमें निकलना पड़ेगा यार, गाइस कल निकल रहे हैं हमारे को ना, तो हम लेट हो जाएंगे, तो इस वजह से अभी जाना पड़ेगा। बधाई यार, बधाई, मिलते रहेंगे। कहाँ जा रहा है तू? यही तो है, बस अभी जा रहे हैं। चले फिर, देख लो इसने मेरा जैकेट पा लिया। अच्छा और मेरे को, मेरे को और तू भाई अपा था भाई, फिर चलो रेडी निकले। ओके, बधाई हो एक बार और, अब तू डबल हो चुका है, अब कल तू ऐसे नहीं दिखेगा। तो गाइज यार आज हमारा भी प्लान बन चुका है गांव जाने का, क्योंकि दोस्त की मैरिज भी हो चुकी है कल रात। सुबह निकलना जल्दी था 4 बजे के करीब, पर यार नींद खुली नहीं। 4 बजे तो हम घर ही पहुंचे हैं ना, 3:30 घर पहुंचे थे, सोते सोते 4:15 हो गए थे। तो फिर कैसे उठ सकते थे जल्दी, 4 बजे सोए, नींद ही खुली 10 बजे। फिर चलो हल्के हल्के करते हैं, हमारी पैकिंग भी हो चुकी है, अब निकलते हैं। मम्मी डैडी की कॉल भी आ गई, थोड़ा बहुत सामान अंकित रोनी ने भी मंगाया था वो भी रख लिया, जो वो भूल गए थे। बस आज जाएंगे देहरादून और फिर कल मॉर्निंग में निकलेंगे। ये हमारी पैकिंग वगैरह, ये सब जाएगा हमारे साथ और ये भी जाएगी हमारे साथ। ऐसा लग रहा है सामान हमारे साथ नहीं जा रहा, हम इसके साथ जा रहे हैं। तो वही तो, अब यार ये सारा सामान गाड़ी में रखना पड़ेगा। मैंने वैसे एक भैया को बुला लिया थोड़ी हेल्प करने के लिए कि यार उठा दो यार थोड़ा सामान गाड़ी तक पहुंचवा दो, क्योंकि ये तो उठा नहीं पाएगी इतना सामान, तो मुझे उठाना पड़ेगा। ये देख कितनी चालू है, हल्का हल्का सामान उठा लिया, और ये कौन उठाएगा, ये इतने भारी भारी से बैग से कौन उठाएगा? ये हाँ ये, और ये, और वो गद्दे वो जो पीछे पड़े हैं, और साथ में ये, और ये बैग, एक तकिया ले लेती हूँ, और तकिया भी पकड़ ले, चल हाँ एक तकिया भी पकड़ ले, चल चलो चलो, ओके बाय, आ रहा हूँ मैं पीछे से, बाय। हम भी पहुंच चुके हैं अपने स्पॉट पे। हाँ भी बोटिंग करनी है, ये वही लेक है जहाँ पे मम्मी पापा अंकित रोनी ने बोटिंग की थी। मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ यार मैं भी कर लूँ, उन्होंने तो मजे ले लिए, करनी नहीं यार मेरा सर दर्द हो रहा है। एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई ना कल रात को, 2 बजे के करीब तो घर आए हम, नहीं दो नहीं तीन, चार बजे तो हम सोए थे, 4 बजे हम सोए थे, मुझे याद है 3:40 पे मैंने गेट खोला था, 3:40 पे, और 4:15 तक हम सोए होंगे, तो 4 बजे के करीब हम सोए, तो उस चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई और अब सर दर्द हो रहा है उस वजह से। अब तो डायरेक्ट देहरादून पहुंच के ही कुछ खाऊंगा प्लस हो जाऊंगा, पहले नींद पूरी करूंगा, देन आंखें बंद हो रही हैं। ये तू ये साथ वाली सीट पे सो रही है तो मेरे को भी तो नींद आएगी। मैं नहीं सोना चाहती, मैं ना बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, पर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आंखें अपने आप ऐसे बंद हो रही हैं और फिर मैं वो मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि तेरे को नींद आ रही है। बस एक बात है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे खा के ना अच्छा महसूस हो रहा है ना, ये सर दर्द हो गया था मेरा और नींद भी आ रही थी और नींद भी भाग गई। अब आ रही है तेरे को नींद? थोड़ी सी आ रही है, मतलब धीरे धीरे चली जाएगी, थोड़ी तो आंखें खुल गई मेरी। तेरे जूते बड़े कैंट है। ये मेरे वो है मॉर्निंग वॉक के जूते है। ये क्या कर रहे हो? नींद भगाने की निंजा टेक्निक। इस जगह रोड के सामने
भाई नींद भगाने की नींद टेक्निक है ये। साथ में फिर ये भी ले लो पावर बूस्टर। तू जा मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया जरूरत नहीं है। लो भाई हम भी पहुंच चुके हैं पूरा सामने इनका घर। ये कितनी एक्साइट हो जाती है एकदम से। अच्छा मैं भी हूँ सर। देख रहे हैं राशु, देख ले रहा नहीं गया यार तेरे बिना यार। वही तो यार, यार तू तो बदली नहीं यार बिल्कुल भी, मुझे लगा बदल गई होगी। देखो हमारी खातिरदारी हो रही है। मैंने तभी तभी मैं तुझे मिस कर रहा था यार इतना। हाँ सच्ची कह रहा हूँ। तो फिर जीजा जी होना तो जीजा बड़ा होता है पति बड़ा होता है मेरे जीजा, और उसके लिए पति क्यों नहीं है फिर बड़ा। सारे का सारा यही खा गया। वही तो सारा हट गया नहीं हटा दिया इसने, सारा खा लिया इसने। अरे देखो ना कहाँ खाली कर दिया। सबसे टेस्टी ये होते हैं। कह रहे जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, ये खा लेगा। आओ भाई आजा, तेरे घर में खातिरदारी हो रही है हमारी। तेरे घर में आपके ससुराल में। फिर बर्तन जी तेरा घर मेरा ससुराल, बात तो एक ही है। बर्तन आपने धोए हैं। खा ले स्माइली। कैसे बनाते होंगे इसे यार ये आलू। तेरे मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा, उसके मुझे ऐसा लग रहा है। ओए सोमू इधर देखियो थोड़ा सा ढीला है। ये देख इसके मुझे ऐसा देखिए।